दुधवा में टाइगर के शिकार को लेकर हो रही लकड़ी कटान। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दुधवा पार्क में शिकार को लेकर लकड़ी कटान किया जा रहा है। तो दुधवा में टाइगर के शिकार से लेकर हो रहा है लकड़ी कटान। नेशनल पार्क को डीडी डायरेक्टर की जोड़ी कर रही तबाह, डिप्टी रेंजर के आवास में बरामद हुई थी लकड़ी। तो डिप्टी रेंजर के आवास में लकड़ी बरामद की गई थी और लकड़ी की जांच में हो रही लीपापोती। एक साल में 5 टाइगर 10 लेपर्ड की मौत हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक साल के अंदर 5 टाइगर और 10 लेपर्ड की मौत भी हो चुकी है। लकड़ी कटवाने वाले डिप्टी रेंजर को बना दिया रेंजर। डिप्टी रेंजर सोवरन लाल के आवास में बरामद हुई ट्रकों की लकड़ी की जांच में लीपापोती। दुधवा में एक साल में मरे 5 टाइगर 10 लेपर्ड समेत 2 दर्जन शेड्यूल 1 के जानवर। डीडी मनोज सोनकर और डायरेक्टर संजय पाठक दुधवा के दुश्मनों पर मेहरबान। लकड़ी कटवाने वाले डिप्टी रेंजर को बना दिया दुधवा का रेंजर। बेलराया रेंज में टाइगर मार शिकारियों ने, वहीं शिकारियों ने टाइगर की खाल भी निकाली। डिप्टी रेंजरों को रेंजर का चार्ज देकर फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक तबाह कर रहे दुधवा। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संकेत हमसे जुड़ गए हैं। संकेत, क्या है ये पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। दुधवा नेशनल पार्क है और ये उत्तर प्रदेश के अगर फॉरेस्ट विभाग के माना जाए तो सबसे एक महत्वपूर्ण जगह है ये, और पर्यटकों को तो ये जगह हमेशा रात आई ही है। इसके अलावा जो दुधवा में नेशनल पार्क है, यहाँ पे तमाम वो जानवर हैं जो देखने को मिलते हैं, लेकिन इन जानवरों की सुरक्षा और लकड़ी यहाँ के जंगल की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अफसरों पर है, वो अफसर इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शेड्यूल 1 के जानवरों की लगातार मौतें हो रही हैं, ये रिकॉर्ड मौतें हैं, इससे पहले इतनी मौतें कभी नहीं हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि दुधवा कैंपस के अंदर ही जो दुधवा टाइगर रिजर्व में, जो दुधवा नेशनल पार्क में जो रेंज है, उन रेंज के अंदर टाइगर का शिकार होता है और यहीं पर उनकी खाल उतारी जाती है। खुद शिकारी पकड़े गए शिकारी इस बात को कबूलते हैं, वही हड्डियां खाल और हड्डियां उतारी जा रही है टाइगरों की। तो ऐसे में एक बात साफ है कि दुधवा के अंदर शिकार हो रहा है और यहाँ पर खुलेआम लकड़ी कटान हो रहा है, और लकड़ी कटान में जो लकड़ी बरामद हुई जंगल की, वो भी एक डिप्टी रेंजर के घर से बरामद हुई जंगल के अंदर से। हैरानी की बात है उस डिप्टी रेंजर को कार्रवाई की बजाय उसको रेंजस्टर का चार्ज दे दिया, दुधवा जैसी महत्वपूर्ण रेंज का चार्ज उस डिप्टी रेंजर को दे दिया जो कि जूनियर अफसर है, और उसके यहाँ लकड़ी बरामद हुई थी और उसकी जांच में भी लीपापोती की जा रही है। यही नहीं, तमाम ऐसे जो रेंजों में तैनात लोग हैं उनको, जिनको इन अफसरों ने तैनात किया है, संजय पाठक और मनोज सोनकर जो वहाँ के डीडी हैं, उन वो डिप्टी रेंजर हैं, उनको रेंजस्टर बना दिया गया है, रेंज का चार्ज दे दिया गया है। इन पर पहले से आरोप है कि इन्होंने जंगल को नुकसान पहुंचाया है, कई बार ये लोग चार्जशीटेड हुए हैं, उसके बाद भी इनकी जांचें दबा के इनको दोबारा चार्ज दे दिया जाता है और सीनियर लेवल पर चार्ज दिया जाता है। ये डिप्टी रेंजर इनको रेंजर का चार्ज दे दिया जाता है। तो एक बात साफ है कि दुधवा को तबाह करने वालों को लगातार उपद्रव किया जा रहा है और वहां पर शेड्यूल 1 के जानवरों की मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है, लकड़ी कटान नहीं रुक रहा है, और जो लोग करा रहे हैं ये सब काम, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।